सल्यूशन देना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं होता। कोशिश करते हैं कि सल्यूशन दें, लेकिन हर चीज का सल्यूशन देना भी पॉसिबल नहीं होता। कुछ बंदा अपनी तरफ से भी कर सकता है। जब आपको सीखना आपको ही है, जब आपके पास सल्यूशन होगा तो फिर सीखने का जो प्रोसेस होता है वो फिर रुक जाता है। ठीक है, बहरहाल कोशिश करते हैं कि बुनियादी कुछ प्रोसेसेस आज डिस्कस करें और कुछ प्रोसेसेस जो है वो किसी नेक्स्ट टाइम इसको डिस्कस करें। तो पहले हमारे पास बेटा लीनियर टाइप के क्वेश्चंस हैं। ये इस तरह का क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के अंदर भी है, आपकी बुक के एक्सरसाइज के अंदर भी होता है बेटा। ये कॉमन क्वेश्चन है, सिंपल सा बिल्कुल एक क्वेश्चन है। इसके जो है वो दो फॉर्मेट्स हैं बेटा। ठीक है, इसके अंदर इसको हम कहते हैं लीनियर टाइप या ये वन डायमेंशनल क्वेश्चंस होते हैं। इसमें थ्री पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 इज इक्वल टू द 1 μC आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। व्हाट इज नेट फोर्स ऑन चार्ज 3। अब इसमें जो क्वेश्चन होता है उसका पैटर्न कौन सा होगा, उसमें मैटर करता है Q1 और Q2। अगर Q1 और Q2 दोनों लाइक चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो फिर उसका पैटर्न अलग होता है। और Q1 और Q2 में अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो उसका पैटर्न अलग होता है। मैंने दोनों रखे हैं कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव और दूसरी भी पॉजिटिव कर लेते हैं। सपोज करते हैं इसको भी हम पॉजिटिव मानते हैं और इसको भी हम पॉजिटिव मानते हैं। अब ये 3 चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव मसला नहीं है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है वो आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है। सपोज कर लेते हैं ये पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव होगी तो भी मसला नहीं होगा, क्वेश्चन का पैटर्न सेम होगा। क्वेश्चन का पैटर्न सिर्फ इन दो चार्जेस पे डिपेंड करता है। अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगी, ये फोर्स ऑफ 1 on 3 होगी। और ये अगर आपके पास चार्ज Q2 पॉजिटिव है तो ये इसको इस तरह से रिपेल करेगी और ये फोर्स ऑफ 2 on 3 होगा। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इस डिस्टेंस को हम कहते हैं यहाँ से अगर हो कोई तो बोला कंप्यूटर में वॉइस अच्छे तो हो जेको है ना। हाँ, इनमें अच्छे तो ये जेको अगर सब कनेक्टेड है ना, ये जेको कंप्यूटर इन्हें वॉइस बंद करे, पैनल स्टोरेज वॉइस बंद करे। अब देखिए ये हो जाता है हमारे पास, इसको हम कहते हैं ये डिस्टेंस आप R1 कह ले और ये डिस्टेंस जो होता है वो R2। R1 और R2 दोनों गिवन होते हैं, ये सेंटर पे भी हो सकता है या किसी साइड पे भी हो सकता है। तो अब आप इसके अंदर इस तरह से कर सकते हैं कि देखिए ये दोनों फोर्सेस जो होती है इनका डायरेक्शन जो होता है वो अपोजिट है। अगर दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट होता है तो फिर इन दोनों के ऊपर जो है वो आप इसको माइनस करोगे। इसकी पहली कंडीशन बनेगी कि अगर फोर्स ऑफ 1 on 3 ग्रेटर देन है फोर्स ऑफ 2 on 3, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगी F3 इज इक्वल टू हो जाएगी फोर्स ऑफ 1 on 3 माइनस फोर्स ऑफ 2 on 3। ठीक है, ये तब होता है जब ये जो फोर्स ऑफ 1 on 3 जो होती है वो बड़ी होती है और फोर्स ऑफ 2 on 3 जो होती है वो कम होती है। वाइस बंद कौन थी है? ना इतना हिते इन में अच्छे बेहतर जेको पैनलिस्ट दे है ना उन्हें के उन्हें जो वाइस बंद करे श्रीवास पानी थी इन्हों। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा फोर्स ऑफ 3 जो है वो फोर्स ऑफ 1 on 3 माइनस फोर्स ऑफ 2 on 3 हो।
ठीक है, अब ये हो जाएगा अंदर फोर्स ऑफ टू ऑन थ्री ग्रेटर देन है फोर्स ऑफ वन ऑन थ्री, तो फिर ये हो जाएगा इजिकल टू फोर्स ऑफ टू ऑन थ्री माइनस फोर्स ऑफ वन ऑन थ्री हो जाएगा इस तरह से। इसकी तीसरी कंडीशन भी होती है कि अगर फोर्स ऑफ वन ऑन थ्री इजिकल टू फोर्स ऑफ टू ऑन थ्री देन थर्ड फोर्स जो होगी ये जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब फोर्स सबसे बड़ा, कुछ लोगों के लिए ये सबसे बड़ा मसला होता है कि फोर्स ऑफ वन ऑन थ्री कैसे कैलकुलेट करें, कूलम्स लॉ लगाने और कुछ नहीं करना। ठीक है, इजिकल टू के क्यू टू क्यू थ्री अपॉन आर टू स्क्वायर करना है। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि आपके क्यू वन क्यू थ्री अपन आर वन स्क्वायर करोगे और के क्यू टू क्यू थ्री अपन आर टू स्क्वायर करोगे। सिंपल सा क्वेश्चन है और ये फॉर्मेट आपके बुक की एक्सरसाइज के अंदर भी दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर कहा गया है कि थ्री पॉइंट चार्जेस क्यू वन और क्यू थ्री दोनों पॉजिटिव है एंड क्यू टू जो है वो निगेटिव है, आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द चार्ज थ्री। इसके अंदर आप देख लें क्यू वन और क्यू टू में से अगर कोई एक चार्ज जो होती है वो निगेटिव है, मैटर जो करता है क्वेश्चन का जो सिस्टम किस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे, वो मैटर किस बात पे करेगा, वो करेगा क्यू वन और क्यू टू पे, क्यू थ्री पे नहीं करेगा। क्यू थ्री वो चार्ज होती है जिसका पॉजिटिव होना निगेटिव होना सिर्फ एरोस के ऊपर फर्क देगा, बाकी क्वेश्चन के पैटर्न के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसको इस तरह से देखोगे कि अगर ये क्यू वन पॉजिटिव है, क्यू थ्री पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो बेटा ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी, ये फोर्स ऑफ वन ऑन थ्री होगी, और ये निगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, देयरफॉर फोर्स ऑफ टू ऑन थ्री। अब इस कंडीशन के अंदर दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन हमेशा सेम ही रहेगा। जब दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन सेम रहेगा तो फिर दोनों फोर्सेस को हम प्लस करेंगे, तो इसका जो सोल्यूशन होता है इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि थर्ड के ऊपर जो नेट फोर्स होगी वो फोर्स ऑफ वन ऑन थ्री प्लस क्या हो जाएगा फोर्स ऑफ टू ऑन थ्री, इसके सिवा कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। और इसके अंदर एक कंडीशन ये भी होती है कि फोर्स ऑफ इसके ऊपर जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जब दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन सेम होता है तो उसके अंदर जीरो की कंडीशन नहीं आ सकती, फिर चाहे एक फोर्स बड़ी हो एक छोटी हो या चाहे दोनों फोर्सेस इक्वल हो, इसके अंदर जीरो फोर्स का जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि जीरो तब आता है जब फोर्सेस एक दूसरे से अपोजिट होती है। अब लीनियर के अंदर एक और इस तरह भी होता है, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, लीनियर के अंदर जो होता है ये इस तरह भी होता है। इसको आप इस तरह से कहेंगे कि ये भी हमारे पास लीनियर चार्जेस का है लेकिन थोड़ा इसका पैटर्न मुख्तलिफ है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज क्यू वन एंड क्यू टू, क्यू वन 4 माइक्रोकूलम है और क्यू टू 9 माइक्रोकूलम। इस जैसे जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें जो क्यू वन और क्यू टू की जो वैल्यूज दी जाती है वो मोस्टली जो है वो आप कह सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर दी जाती है। जैसे 4 है ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, 9 है ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, 16 दिया जा सकता है, 25 दिया जा सकता है, 49 दिया जा सकता है, 64 दिया जा सकता है, 100 दिया जा सकता है, 81 दिया जा सकता है, मोस्टली परफेक्ट स्क्वायर दिए जाते हैं। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर ना भी है, अगर 2 दिया जाता है या
थ्री दे दिया जाता है। तो आपको पता है 2 का अंडर रेडिकल 1.41 होता है और 3 का अंडर रेडिकल 1.71 होता है। तो थोड़ी इस तरह से चीजें जो है माइंड में होनी चाहिए। इसमें कहा गया है कि अगर दो चार्जेस Q1 और Q2, इसमें भी अगर दोनों चार्जेस लाइक है तो पैटर्न अलग होगा, अगर अनलाइक एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज निगेटिव अनलाइक है तो पैटर्न मुख्तलिफ होगा। पहले जो क्वेश्चन है इसके अंदर दोनों जो चार्जेस दी गई है वो लाइक चार्जेस दी गई है, तो इसकी कंडीशन क्या बन जाती है कि इफ Q1 एंड Q2 आर लाइक चार्जेस, अगर ये लाइक चार्जेस है देन चार्ज 3 मस्ट बी प्लेस्ड नियर सिमिलर चार्ज ऑन लाइन जॉइनिंग सेंटर्स ऑफ Q1 एंड Q2। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि अगर Q1 और Q2 लाइक चार्जेस है तो जो Q3 उनके बस कुछ ही घटर वो चले जाए। तो देखे Q1 और Q2 जो होती है वो अगर लाइक चार्जेस है तो Q3 को उनके दरमियान कहीं पे रखना पड़ेगा। ठीक है ना, जो Q3 होती है वो उनके दरमियान कहीं पे रखी जाती है। अगर उनके दरमियान रखेंगे तो किस पोजीशन पे रखेंगे, दोनों के बिल्कुल सेंटर पे रखेंगे या किसी साइड पे रखेंगे? तो हमेशा उस चार्ज के करीब रखते हैं जो सिमिलर चार्ज होती है, हमेशा सिमिलर चार्ज के करीब रखते हैं। इन दोनों में सिमिलर चार्ज कौन सी है, 4 माइक्रो कूलम, तो थर्ड चार्ज को किसके करीब रखेंगे, 4 के करीब रखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने चीज लिख दी है। अब यहाँ पे आप इसको इस तरह से बनाओगे, देखें ये पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव होना निगेटिव होना मैटर नहीं करता, इसका मैग्नीट्यूड अगर इस क्वेश्चन में इसका मैग्नीट्यूड ना भी हो ना तो भी हो जाएगा, सिर्फ इन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड आपको पता है ना, इसका भले मैग्नीट्यूड भी आपको पता ना हो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब देखे Q1 पॉजिटिव है, Q1 पॉजिटिव है, इस तरह से तीनों पॉजिटिव है। ठीक है, Q3 की वैल्यू भी नहीं दी हुई, तो आप इसको इस तरह से कर दें कि ये जो होगा फोर्स ऑफ 1 on 3, ठीक है, और ये हो जाएगी फोर्स ऑफ 2 on 3 इस तरह से। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से जब करोगे तो इसका मतलब है कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे से क्या आ गई, अपोजिट आ गई। तो फिर आप करोगे फोर्स ऑफ 1 on 3 इज इक्वल टू फोर्स ऑफ 2 on 3, ये बुनियादी इक्वेशन होती है। ठीक है, ये आप ये भी कह सकते हैं कि अगर फोर्स 0 है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 भी आप इसको कर सकते हैं, जिस तरह से करें आप इसको। तो फोर्स ऑफ 1 on 3 जो होती है उसके बारे में आप करोगे के Q1 Q2 अपान। अब आप इसका डिस्टेंस देखें, अब इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ये कहलाता है x, और इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ये होता है r, और ये जो डिस्टेंस हो r - x होल स्क्वायर Q3, Q3 में कट जाएगा। ठीक है, k में कट जाएगा, बाकी आपका फार्मूला बचेगा Q1 upon x² Q2 upon r - x² होल स्क्वायर। हमेशा याद रखिएगा अगर Q1 छोटी है तो Q1 upon x² लिखा जाएगा और Q2 upon r - x² अगर Q2 छोटी होती तो Q2 upon x² लिखते और Q1 upon r -
माइनस एक्स स्क्वायर लेते हैं। जो चार्ज छोटी होगी उसको डिवाइडेड बाय किससे करोगे, एक्स स्क्वायर। जो बड़ी चार्ज होगी उसको किससे करोगे, आर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इक्वल होंगी तो ठीक है, अगर इक्वल होंगी तो पॉइंट सेंटर पे आएगी, फिर क्वेश्चन को करने की जरूरत ही नहीं। अगर वो भी फोर होती, वो फोर होती, जवाब पांच होता, फिर आपको करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर ये फोर होती, वो फोर होती, तो जवाब पांच आ जाता, तो फिर करने की जरूरत नहीं होती उसको। तो अब ये हो जाएगा आपके पास, आप इसको करोगे फोर माइक्रो अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन माइक्रो आर माइनस एक्स होल स्क्वायर। माइक्रो माइक्रो में गया, आप रूट लेंगे तो ये हो जाएगा टू टू अपॉन एक्स, जाएगा थ्री अपॉन आर माइनस एक्स। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएगा टू आर माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स। अब आपको पता है आर की वैल्यू टेन है, तो टू इंटू टेन हो जाएगा ट्वेंटी, और ये होगा टू इंटू एक्स, टू एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स। ये साइड पे आ जाएगा तो होगा फाइव एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी, तो एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू ट्वेंटी अपॉन फाइव इज इक्वल टू फोर सेंटीमीटर। लेकिन ये फ्रॉम क्यू वन, ये पॉइंट क्यू वन से कितना डिस्टेंस होगी, चार सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन ऑप्शन में क्यू वन ना हो, क्यू टू हो, तो क्यू टू से ये हो जाएगी सिक्स सेंटीमीटर, तो एक्स हो जाएगा सिक्स सेंटीमीटर किससे, क्यू टू से। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर ये पॉइंट Q1 से चार सेंटीमीटर है तो बाकी कितना बचेगा, R माइनस एक्स जो होगा ये कितना हो जाएगा, सिक्स सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख लें कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम Q1 फोर है और Q2 माइनस है, एक जो है वो लाइक चार्ज है, सॉरी अनलाइक चार्जेस है, एक पॉजिटिव और एक कौन सी है, नेगेटिव। अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो उनके दरमियान अगर हम कोई तीसरी चार्ज रखेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, ठीक है, उनके दरमियान रखेंगे ना, तो फोर्सेस का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, जैसे ये होता है इस तरह से। अगर इस तरह से है, अगर ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज, अगर इनके दरमियान कोई तीसरी चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो, अगर पॉजिटिव है तो दोनों का डायरेक्शन इस तरफ, अगर ये नेगेटिव होती तो दोनों का डायरेक्शन इस तरफ, ठीक है, तो इनके दरमियान फोर्सेस जीरो हो ही नहीं सकती। अगर दोनों चार्जेस जो होती हैं अनलाइक चार्जेस है, तो कोई ऐसी पॉइंट एग्जिस्ट इनके दरमियान नहीं कर सकती जहां पे फोर्स जीरो। तो फिर आप क्या करोगे, तो ये जो पॉइंट होगी ना वो इस लाइन से या राइट साइड पे होगी या लेफ्ट साइड। अब आपको कैसे पता चलेगा लेफ्ट या राइट होगी, ये जो होगी इसको आप कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस x होगा, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होगा इस डिस्टेंस को हम कहते हैं कि ये r प्लस x, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक तब्दीली आप करोगे कि Q1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन R प्लस x होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 4 माइक्रो अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइक्रो अपॉन R प्लस x होल स्क्वायर। अब ये यहाँ पे R में लिख लेता हूं, नहीं तो ये बड़ा मसला बन जाएगा आगे जाके। तो ये हो जाएगा माइनस, ये कट जाएंगे, रूट लेंगे, चले यहाँ पे रूट भी लगा लेता हूं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ फिजिक्स नहीं पढ़ानी होती, मैथ भी यहीं पे पढ़नी होती, ठीक है। इस तरह से अगर करेंगे तो हमें टू आएगा और एक्स आएगा, ये होगा थ्री और ये हो जाएगा R प्लस x। ये टू कैसे आया, टू स्क्वायर स्क्वायर जाएगा, अंडर इंटीग्रल में थ्री स्क्वायर, क्योंकि
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये होगा आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x। ठीक है, किसी ने मुझे मैसेज किया कि सर सिर्फ सुनते रहते हैं। मैंने कहा पढ़ने में सुनना ही होता है और क्या करना होता है। सर सिर्फ सुनते रहते हैं। मैंने कहा और क्या करना होता है, पढ़ने में तो सुनना ही होता है और क्या करोगे। तो मकसद ये होता है कि 2 मिनट पढ़ाओ, ठीक है, फिर ऐसे ही 2 मिनट कोई और बात करो, 2 मिनट फिर पढ़ाओ, फिर और बात करो, और कोई क्या पूछ रहा है, कोई क्या पूछ रहा है, टॉपिक चल रहा है, कूलम्स ला का क्वेश्चन आ रहा है गॉसिप्स ला से, या टॉपिक चल रहा है कूलम्स ला और क्वेश्चन आ रहा है कार्नाट इंजन से, तो ऐसे पढ़ने से सुनना अच्छा होता है। ठीक है ना, तो ये हो जाता है इस तरह से। आप कर सकते हैं बेटा के 2 × 10 + x = 3x, तो ये होता है बेटा 20 − 2x = 3x प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 20 = 3x − 2x। अब ये मैंने बेटा बच्चों की तरह किया है स्टेप वाइज, तो ये x = 20 cm होता है बेटा, और ये जो होता है ये फ्रॉम Q1 होगा बेटा। ठीक है, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि ये जो होगा x = 20 cm होगा बेटा, लेकिन ये Q1 से होगा। अगर Q2 से हो बेटा तो उसके अंदर ये हो जाएगा कि ये आपके पास x = 20 + उनके दरमियान 10 = 30 cm, और ये होगा Q1 से होगा बेटा, Q2 से। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन x = 30 cm। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे पास होते हैं टू डायमेंशनल होते हैं, ठीक है, इसके अंदर ट्रायंगल का आज कर लेते हैं, बाकी जो है वो नेक्स्ट टाइम किसी दिन करेंगे इसको, और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर, तो हर चीज तो बताई नहीं जा सकती, पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम करते हैं तो बेटा इसके अंदर जो हमने पहले लिया है राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर 2 ट्रायंगल इस्तेमाल होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल इस्तेमाल होता है और दूसरा जो होता है वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर भी 2 चीजें, आप देखें दोनों राइट एंगल ट्रायंगल, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, लेकिन दोनों के अंदर एक छोटी सी जो है वो चेंज है कि इसकी जो साइड्स होती है इक्वल होती है और उसकी जो साइड्स होती है वो अनइक्वल होती है। ठीक है, अगर साइड्स इक्वल है तो उसमें अलग होता है, अगर साइड्स अनइक्वल है तो उसमें अलग होता है। पहली बात ये कि अच्छा थर्ड साइड नहीं दी हुई, जो थर्ड साइड नहीं दी हुई इसको तय कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6² + 6² = ये हाइपरटेनियस होगा h², इसको अगर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6 √2 cm। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इस तरह से आ जाएगा, आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसके बाद आप इसको करोगे 6 √2 cm, ये ज्यादातर गिवन नहीं होता। अब अगर दोनों साइड्स इक्वल है तो ये एंगल 45 होगी और ये एंगल भी 45 होगी। अगर इक्वल साइड्स दी जाती है तो इसका मतलब है ये 45 है और ये भी कौन सी है 45 है, लेकिन अगर इक्वल होती है तो दोनों साइड्स इक्वल है। अब मैं पहले फोर्स निकालता हूं Q3 पे बेटा 2 फोर्सेस है, ये हो जाएगा फोर्स ऑफ 1 √3 और ये हो जाएगी फोर्स ऑफ 2 √3 और इनके दरमियान ये एंगल हो जाएगी 45 डिग्री। अब बहुत सारे बुक्स में क्या किया हुआ है कि x कंपोनेंट निकालते हैं, y कंपोनेंट निकालते हैं,
तेरा कोसाइन इस्तेमाल कर ले, ना कोई कंपोनेंट निकाले और कुछ भी ना करें आप इसको। फोर्स आप वन आती, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे के क्यू वन क्यू थ्री अपन आर, आर की जगह पे 6 अंडर रेडिकल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर करोगे, और फोर्स ऑफ 2 on 3 इजिकल टू के क्यू टू क्यू थ्री अपन आप करोगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों फोर्सेस है, अगर ये पैरेलल होते तो सम कर देते, एंटी पैरेलल होते तो माइनस कर देते, लेकिन ये सम एंगल है। अगर ये सम एंगल है तो फिर आप लॉग कोसाइन इस्तेमाल करोगे। लॉग कोसाइन इस्तेमाल कर ले, किसी कंपोनेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, जवाब आपका सही होगा, एक ही स्टेप के अंदर जवाब आएगा। इस तरह से आप करोगे, फोर्स ऑफ 1 on 3 होल स्क्वायर प्लस फोर्स ऑफ 2 on 3 होल स्क्वायर प्लस 2 फोर्स ऑफ 1 on 3 मल्टीप्लाइड बाय फोर्स ऑफ 2 on 3 इनटू कॉस 45 डिग्री, इस तरह से कर लोगे, ठीक है? तो ये आ जाएगा। अब अगर आप इसके ऊपर फाइंड करना चाहते हैं, अगर आप इसके ऊपर फाइंड करना चाहोगे तो इसके ऊपर भी इसी तरह से फोर्स होगी कि फोर्स ऑन 2/3 और फोर्स ऑन 2/1, ठीक है? तो अब इसके ऊपर आप किस तरह से करोगे, इसके ऊपर सिर्फ एक चेंज आपको करनी पड़ेगी, फोर्स ऑफ 2 इजिकल टू, क्योंकि इन दोनों फोर्सेस के दरमियान ये एंगल 90 है, तो ये हो जाएगी फोर्स ऑफ 2 on 1 होल स्क्वायर प्लस फोर्स ऑफ सॉरी सही है ये, ठीक है? अगर इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है? अगर इस तरह से इस क्वेश्चन के फॉर्मेट के अंदर ये कंडीशन आ जाए, अगर ये कंडीशन आ जाती है इस तरह से, और अगर ये आ जाता है माइनस क्यू थ्री, माइनस नहीं करें इसको, नहीं करें, इसको माइनस करते हैं, ठीक है? इसको प्लस ही रखें, ठीक है? अब कैसे होगा ये देखिए, अब इसके अंदर थोड़ी एंगल की चेंज आएगी, ये हो जाएगा फोर्स ऑफ 2 on 3 और ये हो जाएगी फोर्स ऑफ 1 on 3। अब ये एंगल जो होगी 45 होगी, ठीक है? ये अगर 6 है, ये अगर 6 से 45 होगी तो ये एंगल कौन सी होगी, 180 माइनस 45, ठीक है? कौन सी हो जाएगी, 135। तो सिर्फ यहाँ पे एंगल की चेंज करनी, ठीक है? अगर साइन चेंज होती है ना तो एंगल चेंज हो जाएगी इसके अंदर, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब तो ये इसके अंदर देखें आप कि ये कैसा है, जिसमें साइड से होती है वो इक्वल नहीं है, ठीक है? साइड अनइक्वल, और मोस्टली इसके अंदर 8 और 6 का पेयर दिया जाता है। अगर ये दी जाती है तो 8 6 दिया जाएगा, अगर ये दी जाती है 8 10 दिया जाएगा, अगर ये दी जाती है तो 6 10 दिया साइन करता। इसके ऊपर जो फोर्स आएगी बेटा, ये फोर्स ऑफ 1 on 3 और ये आ जाएगी फोर्स ऑफ 2 on 3। अब ये थीटा 45 नहीं है, क्योंकि जब साइड्स इक्वल होती है तो ये एंगल नहीं होती। अब हम ये समझेंगे कि हमें
जाना पड़ेगा कैलकुलेटर के ऊपर। एक यहाँ पे आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर ये थीटा फाइंड कर लेते हो, ठीक है, अगर आप ये थीटा फाइंड कर लेते हो तो जितनी थीटा ये होगी उतनी थीटा ये होगी। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे बेस हो जाएगा बेटा 8, हाइपोटेन्यूस है 10। तो फॉर्मूले के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर, क्योंकि सेम है, इस फॉर्मूले के अंदर सिर्फ थोड़ी चेंज आपको करनी पड़ेगी कि इज इक्वल टू आप इस तरह से इसको करेंगे, फोर्स ऑफ 1/3 होल स्क्वायर, फोर्स ऑफ 2/3 होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस फोर्स ऑफ 1/3 और फोर्स ऑफ 2/3 इनटू कॉस, कॉस की जगह पे 8/10 लिखते हैं। पूरे फैक्टर की जगह पे आप 8/10 लिख दोगे तो ये हो जाएगा। अगर इस तरह से इसको करोगे तो ये हो जाएगा 6/8। अगर एंगल चाहिए तो ये एंगल किस तो ऐसे भी 90, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बाकी जो चीजें हैं किसी और क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, कल करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में।